वेल माई डियर स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इन हैंड इज पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ पंजाब लेबर पॉलिसी टू थाउजेंड एंड एटीन कि जो पंजाब की लेबर पॉलिसी दो हजार अट्ठारह है उसके पॉलिसी ऑब्जेक्टिवस क्या हैं आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो फोकस है दैट इज़ टू इम्प्रूव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और ये कैसे अचीव कर रहा है ये लेजिस्लेशन के जरिए से अचीव करना है प्रिवेंटिव मैय के जरिए से अचीव कर रहा है कैपेसिटी डेवलपमेंट और अवेयरनेस कंपेन्स के जरिए से अचीव कर रहा है दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंजाब लेबर पॉलिसी 2018 इससे जो अगला ऑब्जेक्टिव है दैट इज रैशनलाइजेशन इन मिनिमम वेजेस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट Improvement in the wage fixation process and strengthening the role of Punjab minimum wages board. My dear students, the third policy objective of the Punjab Labour Policy 2018 is to work in collaboration with ILO, international partners, the federal government, and the organization of employers and workers. To gradually extend right of freedom of association and to bargain collectively under ILO's Convention eighty seven and ninety eight to the informal sectors and promotion of tripartism and social dialogue. As a matter of fact, my dear students, the fourth objective is that discrimination in remuneration hai. रिगार्डिंग मैन एंड वुमेन उसको खत्म किया जाए और अगर इक्वल वैल्यू का वर्क है तो मैन एंड वुमेन को बराबर उसकी रेमोनरेशन की जाए द फिफ्थ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ पंजाब लेबर पॉलिसी टू थाउजेंड एंड एटीन इज टू वर्क फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड लेबर वेलफेयर फॉर ऑल हुआ आर एलिजिबल टू वर्क

और जो बेनिफिट ऑफ लेबर लॉ है ये वर्कर्स को जो के इनफॉर्मल सेक्टर में है उन तक भी पहुंचाया जाए डोमेस्टिक वर्कर्स को भी पहुंचाया जाए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिले मिनी माइनर और जो माइंस वर्कर्स हैं उनको भी मिले जो सेवंथ ऑब्जेक्टिव है जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है पंजाब लेबर पॉलिसी टू थाउजेंड का एटीन का वो ये है कि इंश्योर किया जाए कि डिसेंट वर्किंग कंडीशन तमाम वर्कर्स के लिए क्रिएट की जाए इरिस्पेक्टिव के उनके वर्क की नेचर क्या है और कंप्लाइंस जो है वो बेसिक इंटरनेशनल लॉ के साथ किया जाए इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के साथ किया जाए ताकि वर्किंग आवर्स हेल्थ सेफ्टी रेस्ट हॉलीडेज एंड वेजेस एक्सेट्रा को एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाया जा सके जो एर्थ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट जो है वो इंस्पेक्शन स्टाफ की की जाए इक्विपमेंट्स लेटेस्ट किए जाएं, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो हासिल की जाए कॉन्सिलिएशन सोशल डायलॉग एंड निगोशिएशन थ्रू रेगुलर ऑन जॉब ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो किए जाए द नाइन्थ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द पंजाब लेबर पॉलिसी 2018 थाउजेंड एटीन इज माई डर स्टूडेंट के चाइल्ड लेबर की एलिमिनेशन की जाए और कैसे की जाए थ्रू डिसमेंट एजुकेशन सोशल प्रोटेक्शन सोशल कलेबोरेशन इंप्रूवमेंट इन लॉ इन्फोर्समेंट इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर एफर्ट्स एंड डायरेक्ट एक्शन जो है ये मैर्स हैं जिसके जरिए से जो एलिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है वो की जा सके माइड स्टूडेंट्स जो अलेवंथ बड़ा ग्लेयरिंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि फैसिलिटेशन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स थ्रू प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ जॉब्स इन द लेबर मार्केट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर इंटीग्रेटेड लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्रिएट होना चाहिए ताकि मार्केट फोर्सेज अपने हिसाब से काम करें और वर्क फोर्स बेटर लेबर एम्प्लयमेंट अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सके एक और ऑब्जेक्टिव मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि इंप्रूवमेंट्स इन वर्कर्स वेलफेयर स्कीम्स होना चाहिए यह लेबर पॉलिसी कह रही है एनहानसमेंट इन एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वर्कर्स होना चाहिए चिल्ड्रन स्कूल्स बनने चाहिए और लेबर कॉलोनीज बनने चाहिए यह भी बड़ा ग्लेयरिंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है पंजाब लेबर पॉलिसी 2018 का इसके अलावा पॉलिसी इस बात पर भी फोकस करती है कि स्किल डेवलपमेंट फॉर द एडोलिसेंट्स होना चाहिए और ये थ्रू कंसर्न डिपार्टमेंट्स होना चाहिए एजेंसीज के जरिए से होना चाहिए एंड दिस शेल रिमेन द प्रीडामिनेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेरी पॉलिसी ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट